दोस्तों, अगर आप मॉरिशस की हॉलीडे प्लान कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ वहां जाना चाहते हैं, या फिर आपकी अभी अभी शादी हुई है और आप एक हनीमून ट्रिप में मॉरिशस जाना चाहते हैं, दोनों ही केस में दोस्तों इट्स अ एक्सेलेंट चॉइस ऑफ द डेस्टिनेशन। मॉरिशस एक अल्टीमेट जगह है जहां पे आप अपनी फैमिली हॉलीडे या फिर एक बहुत ही मेमोरेबल हनीमून ट्रिप कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप जब जाते हैं यहां पे, ऑब्वियसली आपके दिमाग में कुछ सवाल होते हैं, जैसे कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ट्रैवल टू मॉरिशस, या फिर जो एक आप अच्छा हॉलीडे लेंगे जिसमें बढ़िया होटल, अच्छा खाना, घूमने फिरना, 24 घंटे की असिस्टेंस, ये सब कुछ इंक्लूडेड, उसकी एक कॉस्ट क्या होगी। दोस्तों, लव अगेंस्ट ट्रैवल के आज के इस एपिसोड में इन्हीं बातों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कि वहां पे आप जब जाना चाहते हैं वहां पे पहुंचेंगे कैसे, इसका मतलब है कि वहां पे आपके पास में क्या क्या चॉइसेस हैं एयरलाइंस की। दूसरी बात यह कि जब आप वहां पे पहुंच जाएंगे तो आप वहां पे रहेंगे कहां, यानी कि क्या क्या चॉइसेस हैं आपके पास में होटल्स की। उसके अलावा दोस्तों, जब आप वहां पे रह रहे होंगे आप कैसे कैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज करेंगे दोस्तों, मॉरिशस के वीजा के लिए आपको कितनी फिक्र करने की जरूरत है, और सबसे आखिरी पॉइंट कि एक डिटेल्ड आइटनरी जो होती है 6 नाइट 7 डेज की मॉरिशस की, वो कैसी दिखाई देती है और किस किस दिन कौन कौन सी एक्टिविटीज इस हॉलीडे के दौरान आप करते हैं वहां पे। दोस्तों, मॉरिशस एक इंडियन ओशन में एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है। इंडियन ओशन से ये मत कंफ्यूज करिएगा दोस्तों कि ये इंडिया के बहुत पास है, इंडियन ओशन में है बट ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मेडागास्कर के बिल्कुल साथ में है। अगर आप फ्लाइट से अंदाजा ज्यादा बेहतर लगा सकते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया से कोई भी यूरोप की फ्लाइट होती है वो 7 से 7.5 घंटे उसमें टाइम लगता है डायरेक्ट फ्लाइट में। उसी तरह से जब आप मॉरिशस ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, या साउथ का कोई भी सिटी हो इंडिया का, और वहां से आप जब मॉरिशस के लिए भी ट्रैवल करेंगे तो 7 से 7.5 घंटे की फ्लाइट होती है। दूसरी बात मैंने ये कही दोस्तों कि ये एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है। छोटे से आइलैंड का मतलब ये है कि आप इसको यूं समझ सकते हैं कि ये करीब इसकी 330 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। साथ साथ अगर आप इसको मैप देखेंगे तो टॉप से बॉटम यानी कि नॉर्थ से साउथ ये सिर्फ 65 किलोमीटर है, और लेफ्ट से राइट देखेंगे यानी कि ईस्ट से वेस्ट अगर देखेंगे तो ये सिर्फ 45 किलोमीटर है। अब आपको दोस्तों अंदाजा लग गया होगा कि ये कितना छोटा सा आइलैंड है। लेकिन ये आइलैंड जितना भी छोटा हो या जितना भी दूर हो, इंडियन टूरिस्ट बोथ फैमिली ट्रैवलर्स एज वेल एज हनीमून ट्रैवलर्स, ये बहुत ही मशहूर डेस्टिनेशन है भारतीय पर्यटकों के बीच में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी तादाद में भारतीय यहां पे जाते हैं अपने हॉलीडे के लिए, और उसके तमाम रीजन है जाने के लिए यहां पे, क्योंकि ज्यादातर भारतीयों को वहां के जो एक्सेप्शनली अच्छे बीचेस हैं, वहां के जो कोरल है, वहां का जो क्रिस्टल क्लियर वाटर है बीचेस का, वो बहुत पसंद आता है। उसके अलावा वहां पे खाने की चॉइसेस जो कि इंडियन खाने से बहुत मिलती जुलती है, और जो वहां का कल्चर है वो भारतीय पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जाने का बेस्ट टाइम क्या है टू विजिट मॉरिशस, मॉरिशस एक क्लासिक एग्जांपल है एक ट्रॉपिकल वेदर का। ट्रॉपिकल वेदर का मतलब है कि यहाँ पे करीब करीब पूरे साल ही मौसम गर्म और मतलब वार्म वेदर रहता है, जिसमें कि हमारे लिए ट्रैवल करना बहुत आसान होता है दोस्तों। लेकिन इंटरनेशनली मई से लेकर दिसंबर तक का पीरियड जो होता है वो कूल होता है, ड्राई होता है, यानी कि बारिश नहीं होती है। इस वजह से बहुत अच्छा समझा जाता है यहां पे ट्रैवल करने के लिए मई से लेकर दिसंबर तक। लेकिन हिंदुस्तानी पर्सपेक्टिव ये है दोस्तों कि जब लोग यहां ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो कभी पूछते भी नहीं है कि वहां पे बेस्ट टाइम कौन सा है विजिट का। यहां से अप्रैल में भी छुट्टियों के हिसाब से लोग ट्रैवल करते हैं, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में भी लोग यहां पे ट्रैवल करते हैं, ऑफ कोर्स मई से लेकर दिसंबर तक बहुत भारतीय यहां पे ट्रैवल करते हैं। दोस्तों, जब हम वीजा की बात करते हैं तो वीजा मॉरिशस का बहुत ही आसान वीजा है। यहां पे किसी भी भारतीय को जब ट्रैवल करते हैं वहां पे, उनको वीजा की बिल्कुल किसी भी डॉक्यूमेंटेशन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है यानी कि पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए कम से कम 6 महीने के लिए आपके रिटर्न डेट तक। आपके पास अगर एक वैलिड पासपोर्ट है आप बेहिचक यहां पे ट्रैवल कर सकते हैं टिकट लेके और अपने बाकी के अरेंजमेंट्स कंप्लीट करके, और वीजा आपको ऑन अराइवल ही दे दिया जाता है, ऑन अराइवल व्हेन यू अराइव एट द एयरपोर्ट ऑफ मॉरिशस। दोस्तों, मॉरिशस हॉलीडे पैकेजेस जो होते हैं जिसमें हम इसमें एयरबीएनबी या फिर किसी के घर पे रहने की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हॉलीडे पैकेजेस जो होते हैं वो हमेशा विद ऑल द कंफर्ट्स होते हैं, यानी कि आप एक अच्छे होटल में रहते हैं, आपकी ट्रांसपोर्टेशन होती है जब एयरपोर्ट से लेके पिक करना है, होटल तक छोड़ना, आपको सारी असिस्टेंस इंक्लूडेड होती है। आपके होटल जो होते हैं यहाँ पे जब आप चूज करते हैं तो इसमें डेली ब्रेकफास्ट और डिनर आपके पैकेज में इंक्लूडेड होता है, 3 फुल डे की साइट सींग आपके लिए इंक्लूडेड होती है अलॉन्ग विद अ लोकल टूर गाइड जो कि एक आपको पर्सपेक्टिव देता है वहां के कल्चर, वहां की जगहों के बारे में। उसके अलावा दोस्तों, यहां की फ्लाइट, यहां का वीजा, मेडिकल इंश्योरेंस जब कंसिडर कर लेते हैं तो इसकी जो मॉरिशस टूर पैकेज की जो कॉस्ट होती है वो करीब 70,000 से स्टार्ट होती है पर पर्सन, जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं आपकी।
दोस्तों जब आप बात करते हैं कि आप मॉरिशस पहुंचेंगे कैसे, सो मॉरिशस पहुंचने के लिए कुछ फ्लाइट के ऑप्शंस हैं। जैसे सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो ऑब्वियसली एयर मॉरिशस का ऑप्शन है। यही डायरेक्ट फ्लाइट है और दिल्ली, मुंबई और साउथ के भी किसी शहर से आपको ये मिल जाती है फ्लाइट पीक सीजन में, जो कि आपको 7 से 7.5 घंटे में इंडिया के किसी सिटी से मॉरिशस तक पहुंचा देती है। ये तो हो गई डायरेक्ट फ्लाइट। और इसी तरह से आप एक 6 नाइट्स के कनेक्शन के बाद में डायरेक्ट फ्लाइट से ही आप वापस आ सकते हैं। जनरली एयर मॉरिशस से जब आप ट्रेवल करते हैं, आपका जो मॉरिशस हॉलीडे पैकेज होता है वो एक 6 नाइट्स एंड 7 डेज का ही पैकेज होता है। दोस्तों दूसरे ऑप्शन भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मॉरिशस के हॉलीडे के साथ साथ आप दुबई भी जाना चाहते हैं, हम लोग इसको डिटेल में किसी और वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन जब आप मॉरिशस और दुबई दोनों जाना चाहते हैं दोस्तों, एक ट्रायंगुलर फेयर भी अवेलेबल होता है जिसमें कि आप इंडिया के अपने सिटी से मॉरिशस के लिए एयर मॉरिशस में फ्लाई करते हैं, मॉरिशस से दुबई के लिए आप एमिरेट्स में फ्लाई करते हैं, और दुबई से वापस इंडिया के अपने सिटी में आप एमिरेट्स में फ्लाई करते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली जैसे आपने देखा कि ट्रायंगुलर फेयर में दोनों पार्टिसिपेशन है दोनों एयरलाइंस का, इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ मॉरिशस भी जाना चाहते हैं आप एमिरेट्स एयरलाइंस ले सकते हैं, लेकिन वो वर्कआउट नहीं होता दोस्तों। बिकॉज एक तो पहली बात तो ये है कि वो एक लंबी फ्लाइट पड़ेगी, दूसरी बात वो एक्सपेंसिव भी पड़ती है अगर आप एमिरेट्स में मॉरिशस जाना चाह रहे हैं, बट पॉसिबल है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जब आप मॉरिशस पहुंचेंगे तो आप वहां पे रुकेंगे कहां। आपने जितना भी अभी तक मॉरिशस के बारे में सुना होगा, देखा होगा ऑनलाइन या फिर टीवी में, मॉरिशस एक डेस्टिनेशन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दुनिया भर के वहां पे जो टूरिस्ट हैं आना चाहते हैं उनके लिए। यहां पे होटल की चॉइसेस की कमी नहीं है दोस्तों। आप कहीं पे भी जाएंगे, 330 किलोमीटर्स की जो कोस्ट लाइन है और यहाँ के जो वाइट सैंड बीचेस हैं, हर तरफ आपको होटल्स मिलेंगे, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो या वेस्ट हो ऑफ मॉरिशस। यहाँ पे कई होटल तो बहुत मशहूर 5 स्टार डिलक्स होटल्स भी मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे 4 स्टार के चॉइसेस भी अमेजिंग है दोस्तों। आप अगर चाहते हैं कि आप अपनी एक बजट हॉलीडे में ट्रैवल करें और आप 3 स्टार ही लेना चाहते हैं दोस्तों, हमने कभी भी आज तक ऐसा कोई टूरिस्ट नहीं देखा वहां पे जो एक 3 स्टार रिजॉर्ट में भी रहने के बाद आया हो और उसने कभी भी इस बात की कंप्लेन करी होगी उसको होटल अच्छा नहीं लगा। दोस्तों यहाँ पे अनलिमिटेड चॉइसेस हैं तमाम इंटरनेशनल होटल्स की, इंटरनेशनल चेन ऑफ होटल्स की, इवन इंडियन चेन ऑफ होटल्स की, और वहां के जो लोकल चेन्स हैं उनके भी बहुत ही पॉपुलर होटल्स हैं जो कि आप कभी भी चेकआउट कर सकते हैं जब आप हमारे कंसल्टेंट से बात करेंगे। ज्यादातर भारतीय पर्यटक जब जाते हैं वहां पे वो होटल्स में ही रहना पसंद करते हैं, वो किसी भी तरह का 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार या सुपर डिलक्स होटल्स हो सकते हैं। दोस्तों मॉरिशस में अगर आप हनीमून के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, प्लीज हमारे कंसल्टेंट से जब आप बात करें उनसे ये पूछना मत भूलिएगा कि हनीमून पैकेजेस में वहां पे क्या क्या एड ऑन्स मिल सकते हैं आपको जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं अगर आपकी शादी हुई है अभी। जब आप वहां पहुंचते हैं दोस्तों, एक्टिविटीज जो होती है मॉरिशस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 3 एक्टिविटीज तो बहुत कॉमन है जो कि सारे पैकेजेस में इंक्लूड होती हैं। आप किसी से भी बात करेंगे आपको ये 3 एक्टिविटीज फौरन गिना दी जाएंगी, जैसे कि नॉर्थ टूर। जब हम नॉर्थ टूर की बात करते हैं दोस्तों, नॉर्थ टूर में स्पेशली ग्रोबे एरिया, वहां का पोर्ट लुइस जो कि कैपिटल है, कुछ शॉपिंग वहां के वाटर फ्रंट में और बोटेनिकल गार्डन वगैरह कवर होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूर है। मॉर्निंग में जब आप निकलते हैं अपने होटल से, आपका पिकअप इसमें इंक्लूडेड होता है, आप ट्रैवल करते हैं और इन सारी जगहों में विजिट करने के बाद जब वापस आते हैं अपने होटल में, ये शाम का वक्त हो जाता है दोस्तों। इसी तरह से वहां पे दूसरी एक्टिविटी जो है उसको साउथ टूर कहते हैं। साउथ टूर जैसे नॉर्थ टूर था उसी तरह से आप आज के दिन जो मॉरिशस का साउथ का एरिया है वहां के डेस्टिनेशंस और पॉपुलर अट्रैक्शंस को कवर करते हैं इस टूर में। इसके अलावा तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टूर है दोस्तों वो है, उसको हम कहते हैं इलोसर। एक आइलैंड है जो कि मॉरिशस के ही बहुत पास है, यहां पे आप जाते हैं। ये आइलैंड मशहूर है अपने क्रिस्टल क्लियर बीचेस के लिए, कई कई मीटर्स तक, हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स तक के अंदर जा सकते हैं सिर्फ घुटने तक पानी में और वहां के बीचेस एंजॉय कर सकते हैं। अल्टीमेट जगह है दोस्तों, साथ साथ इसमें आपको आज के दिन वाटर स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। मैंने पहले बताया आपको एयर मॉरिशस के कनेक्शन की वजह से जो कि सबसे पॉपुलर ऑप्शन है मॉरिशस जाने का, वो कनेक्शन ही आप 6 नाइट्स एंड 7 डेज का बनता है, यानी कि 6 नाइट्स आप वहां रुकते हैं, 7th डे में आप वापस आते हैं। दोस्तों ज्यादातर अराइवल्स जो होते हैं वो मॉर्निंग के ही होते हैं, यानी कि चेक इन टाइम में पहले दिन आप वहां पे पहुंचते हैं और चेक इन टाइम यानी कि लंच के बाद 2 या 3 बजे तक के आप अपने होटल पहुंच जाते हैं। ये हो गया पहला दिन जब आप वहां पे पहुंचते हैं, आपका अराइवल होता है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको वहां पे असिस्ट करता है, आपको गाड़ी में बिठा के आपके होटल तक ले जाता है। दूसरे दिन में यूजुअली नॉर्थ टूर करते हैं, ये एक अच्छी बिगनिंग होती है, गाइड आपके साथ में होता है, आप अपनी कोच होती है, या आप प्राइवेट भी कर सकते हैं या फिर शेयर भी कर सकते हैं कुछ और कपल्स के साथ में या कुछ और फैमिलीज के साथ में, और एक बहुत ही एंजॉयबल डे होता है जब आप नॉर्थ ऑफ मॉरिशस की विजिट करते हैं एंड वापस आते हैं।
उसके अगले दिन दोस्तों बहुत से लोग रिलैक्स करना कोशिश करते हैं अपने होटल में। पहले दिन अराइवल था, दूसरे दिन आपने साइट सीइंग कर ली, तीसरे दिन आप रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोगों को जिनको रिलैक्सेशन पसंद नहीं है दोस्तों, यहाँ पे तमाम और ऑप्शंस हैं जो कि आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक डॉल्फिन सफारी में जा सकते हैं अगर आप चाहते हैं, आपके साथ में बच्चे हैं स्पेशली, यू कैन एक्चुअली गो ऑन डॉल्फिन सफारी डीप इन टू द सी। वहां पे जाने के बाद में यू कैन इवन स्विम विद डॉल्फिन उनके एक नेचुरल हैबिटेट में। इसी तरह से चौथा दिन जब आता है दोस्तों हम साउथ टूर के लिए निकलते हैं। साउथ टूर का मतलब आज मॉरिशस में साउथ का जो एरिया है वहां के तमाम अट्रैक्शंस को देख के हम अपने वापस होटल आते हैं। अगला दिन बिकॉज ये सारे टूर्स करीब करीब फुल डे के टूर होते हैं और ये काफी टायरिंग हो जाते हैं बिकॉज इसमें ट्रैवलिंग भी अच्छी खासी होती है दोस्तों, हर वो दिन जिसमें पूरा दिन का टूर होता है उसका अगला दिन रिलैक्स कर देते हैं नॉर्मली, जिसमें कि आप अपने होटल के अंदर की जो एक्टिविटीज हैं वो भी एंजॉय कर सकते हैं। वहां के स्विमिंग पूल है, वहां पे जिमनेजियम है, तमाम वाटर स्पोर्ट्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं होटल के ही अंदर, खाना है और एंटरटेनमेंट है जो कि पूरे वक्त चलती रहती है होटल के अंदर। इसी तरह से सिक्स्थ डे में हम लोग एलोसर्फ की साइट सीइंग के लिए निकलते हैं। एलोसर्फ की साइट सीइंग जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के दिन आप अपने शॉर्ट्स में स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स में अपनी टॉवल लेके जाते हैं बिकॉज आप आज के दिन सारे वाटर स्पोर्ट्स करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। प्लस जब आप आइलैंड में होते हैं आप पूरे टाइम पानी में होते हैं और अपने वाटर स्पोर्ट्स अगर आप करना चाहते हैं तो वो सारे तरीके के ऑप्शंस आपको यहां पे अवेलेबल होते हैं। इसी तरह से जब हम आगे चलते हैं दोस्तों आपका आ जाता है सातवां दिन। लास्ट डे दोस्तों है आपका सेवेंथ डे, ये है आपका डिपार्चर का दिन। लेकिन डिपार्चर फ्लाइट्स जो होती हैं यूजुअली सारी फ्लाइट्स जो हैं वो इवनिंग की फ्लाइट्स हैं, इसमें आपको करीब करीब पूरा दिन मिल जाता है। आप ये पूरा दिन जो है किसी और एक्टिविटी में या फिर शॉपिंग में एंगेज कर सकते हैं अपने आप को दोस्तों। इस तरह से आपका एक हॉलीडे पैकेज होता है। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में कोई जानकारी चाहिए आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। आप अगर प्लान करना चाहते हैं अगर आपका मॉरिशस का हनीमून पैकेज या फिर एक फैमिली हॉलीडे, आप हमारे कंसल्टेंट से कभी भी बात कर सकते हैं दोस्तों। हमारे कंसल्टेंट्स को बहुत खुशी होगी आपकी किसी भी तरीके से हेल्प करने में। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जब हम आगे और कंट्रीज जहां खास तौर पर भारतीय पर्यटकों को जाना पसंद है उन वीडियोज को लेकर आएंगे, हमें आप तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।